तो गाइज अगर आप ऐसा स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कॉइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब गाइज सिंपली यहाँ से आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, एडिटिंग पे क्लिक करना है, फिल स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो रेशियो था वो ही सिलेक्ट करने देना है, उसके बाद बैक आ जाना है। अब सिंपली गाइज यहाँ से आपको एक वीडियो को ऐड करना होगा जिसमें आपको लिरिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइज यहाँ से मैंने इस वीडियो को ऐड कर लिया, आपको भी कर लेना होगा इसी तरीके से। उसके बाद सिंपली मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने फोटोज को सिलेक्ट करना है जिनसे आप इस तरीके के स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ से मैं कुछ फोटोज को सिलेक्ट करने वाला हूँ, आपको भी करना है क्योंकि तभी आपका स्टेटस बन के तैयार होगा। ठीक गाइस, तो सिंपली मैं कर लेता हूँ। गाइस मैंने फ़ोटो सिलेक्ट कर लिए हैं, देख लीजिए दोस्तों सारे फ़ोटो अपने आप ही फुल स्क्रीन हो गए हैं। आपको फुल स्क्रीन भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सेटिंग ऑलरेडी कर ली है। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको क्या करना है, पहले फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना होगा और यहाँ से आपको ग्राफिक्स को ऐड करना है। ठीक है, इसमें आपको बताता हूँ जिसका नाम है कॉल मी डीजे ग्राफिक्स, इसको आपको ऐड कर लेना होगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा बीटसेन एप्लीकेशन में। इसको आपको कैन मास्टर में कैसे ऐड करना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको इसे ऐड कर लेना है। तो गाइस यहाँ से मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, कर लिया मैंने ऐड, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसे फोटो पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, कॉल मी डीजे में जाना है। कोई सा भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सा ऐड करना है, कोई सा भी ऐड कीजिए। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ से मैंने अपने सारे फोटो में ऐड तो कर लिया है, इससे काफ़ी अच्छा स्टेटस बन के हमारा तैयार होने वाला है। उसके बाद यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद जहाँ से हमने फ़ोटो को ऐड किया है वहाँ पे आपको आना होगा, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना होगा, यहाँ से आपको एक इफेक्ट को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है बिगनेट वाला, सिंपली आपको इसे लगाना होगा। लगाने के बाद इसको आपको फुल स्क्रीन कर देना होगा, टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आपको बताऊंगा इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लेंस वाली कैटेगरी में आ जाना है। लेंस वाली कैटेगरी में जब आएंगे आप यहाँ से तो आपको सबसे ऊपर ये मिल जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर ये बिगनेट वाला मिल जाएगा, सिंपली आपको उसे डाउनलोड कर लेना है इस वाले इफेक्ट को। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद तो गाइस यहाँ से आपको इसे लगा देना है, लगा दिया, स्क्रॉल करके आपको इसे पूरी वीडियो में कर देना है। अगर आपको ये ज़्यादा लगता है तो सिंपली सेटिंग में जाना है, इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर देना है अपने हिसाब से। ठीक है, इस उसके बाद क्या करना है, शुरू में आ जाना होगा, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको एक वीडियो को ऐड करना होगा, ये वाली वीडियो, वीडियो आ चुकी है, कैंची के बराबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। इस वीडियो को सिलेक्ट करना है, नीचे आना है, ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है जिससे पार्टिकल्स वाला इफेक्ट लग जाएगा और जो देखने में काफ़ी खास लगेगा। इस वीडियो के म्यूजिक को आपको ऑफ कर देना है क्योंकि जो हम म्यूजिक लगाने वाले हैं वो अलग से लगाने वाले हैं। ये वीडियो बड़ी है तो सिंपली आपको इसे डिलीट कर देना है। उसके बाद शुरू में आना है, लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से म्यूजिक वीडियो को ऐड कर लेते हैं। तो वीडियो आ चुकी है, हैशटैग एडियो पर क्लिक करके म्यूजिक को निकाल लेना है और इस वीडियो की हमें कोई जरूरत नहीं है तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों म्यूजिक आ चुका है नीचे। अब गाइस हमें लगाना है बॉर्डर जिससे हमारा स्टेटस काफ़ी खास बन के तैयार हो जाए। तो लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, मीडिया को सिलेक्ट करता हूँ और बॉर्डर वाली पीएनजी को मैं ऐड कर लूँगा। सारा मटेरियल आपको हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर दोस्तों डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे दोस्तों टेंशन मत लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा अगर आपको टेंशन होती है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में। ठीक गाइस, स्क्रॉल करके आपको इसे पूरी वीडियो में कर देना है इस तरीके से, कैंची और वाले ऑप्शन में क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। काफ़ी बेस्ट स्टेटस है इसलिए आप इसे क्रिएट कीजिए और ब्लेंडिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ से स्क्रीन कर देना होगा और यहाँ से आपका स्टेटस काफ़ी खास बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने स्टेटस को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको चला के दिखा देता हूँ किस तरीके का हमारा स्टेटस बन के तैयार हुआ है।